गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। तो आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट क्लास देखेंगे और इसमें आप लोग जो है आज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो आप लोग जो है हेडिंग बनाइए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि विद्युतीय बल रेखाएं क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इसके गुणों को लिखें। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युतीय बल रेखाएं क्या है, इसके गुणों को लिखें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो द लाइन्स ऑफ फोर्स विच स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ट्रेवल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी रेखा है जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चलती हुई निगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। जैसे कहने का अर्थ होगा, अगर यह पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज है तो यहां से चल करके यहां चलेगा, यहां से निकलेगा और निगेटिव पर जाकर के आपका जो है यह इंस होगा, ऐसे होगा। इस ढंग से आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को देखा दीजिए। देखिए पॉजिटिव से निकला है और निगेटिव पर क्या हुआ है, टर्मिनेट हुआ है, समाप्त हुआ है। हेडिंग बना दीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो पहला तो आप इसमें लिख ही दिए कि इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इतना आप लोग लिखिए। हो गया होगा। दूसरा नंबर में लिख दीजिए कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सोच द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर कोई टेंजेंट खींचा जाता है तो वह टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तीसरा बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होता है वह कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। यदि वह कटता तो एक पॉइंट पर जो है एक ही नहीं टेंजेंट बल्कि दो या दो से अधिक भी जो है हम लोग टेंजेंट खींच सकते थे। तो हम लोग लिखे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन टू टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, तो उस बिंदु पर दो टेंजेंट जो है खींचा जा सकता है। हिंदी में भी लिख दीजिए इसको, आप लोग नोट कीजिए इसे। ऐसी बल रेखाएं जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और विद्युतीय चलती हुई
टर्मिनेट होता है। डायग्राम भी आप लोग दे दीजिएगा। इसके बाद इसका गुण लिखिए, विद्युतीय बल रेखाओं के गुण, विद्युतीय बल रेखाओं के गुण। तो पहला तो इसका डेफिनेशन भी लिखिए कि यह पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और निगेटिव चार्ज पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। नंबर दो, विद्युतीय बल रेखाओं पर, विद्युतीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताती है। नंबर तीन, कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्योंकि विद्युतीय बल रेखाओं के, बल रेखाओं के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इन बातों को पहले आप लोग नोट कीजिए, तब आपको चौथा प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, नोट कीजिए इसे। नोट कर लीजिए नंबर चार में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है वह चार कंडक्टर के सरफेस पर जो है परपेंडिकुलर होता है। विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखाएं आवेशित चालक के सतह पर लंब होती है। देखिए जहां से हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज है यहां से निकलता है तो हमेशा लंब इस पर होता है, इस तल पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसे निकलता है। यदि टर्मिनेट भी होता है अब तो यहां लंबवत भी जो है प्रवेश भी करता है, इसमें हमेशा लंबवत प्रवेश करता है। डायग्राम भी दे दीजिएगा तो आप लोग समझ में रहिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता हुआ जो है यह नेगेटिव चार्ज पर समाप्त होता है। और फील्ड ऑफ लाइन्स ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर के किसी एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है और एक ही टेंजेंट खींचे जाने की वजह से ही यह एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, काटता कभी भी। दूसरा नंबर, क्योंकि अगर टेंजेंट खींचते हैं जिस पॉइंट पर तो वह टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन आपको बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है।
यह हमेशा तल पर जो होता है चार्ज कंडक्टर के तल पर हमेशा लंब होता है। ये चार प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाइए, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। विभव को परिभाषित करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख करके, और आप लोग जो है बनाइए हेडिंग। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब समझिए थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिए हैं कि मान लीजिए कि यह प्लस की चार्ज है, इसके द्वारा इतना दूर तक जो है फील्ड गिरा है, तो इस फील्ड के बाहर से यहां अंदर लाने में जो भी वर्कडन करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्कडन करना पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इन्फिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्कडन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यह जो है आपका इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह आपका अदिश राशि। यह आपका अदिश राशि है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर हो गया आपका वर्क डन। देखिए मान लीजिए कि चार्ज को लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, तो इकाई चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू बटा में क्यू। इसका मतलब वर्क डन बटा में चार्ज आपका पोटेंशियल का सूत्र हो गया। तो आप कहिएगा कि वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज यानी भी बराबर आपका सूत्र हुआ डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू। विद्युतीय विभव लिख करके हिंदी में भी आप लोग लिख लीजिए, विद्युतीय विभव इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से, अनंत मतलब अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका एक
अदिश राशि होता है। तो हमने क्या कहा कि इन चार्ज को लाने में अगर आपको डब्ल्यू डाल करना पड़ता है तो इन्हीं चार्ज को लाने में कितना का डब्ल्यू बटा क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वन टोटल बटा में चार्ज हो जाएगा। विद्युतीय विभव परिभाषा से कहिए, परिभाषा से विद्युतीय विभव भी बराबर किया गया चार्ज बटा में आवेश, इकाई पॉजिटिव चार्ज है, इकाई पॉजिटिव चार्ज मतलब कि भी बराबर होता है डब्ल्यू बटा में क्यू होता है। अब आप इसका यूनिट देखिए, तो जब यूनिट ऑफ भी लिखिएगा भी का मात्रक, तो देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक हो गया जूल, और चार्ज का मात्रक होता है कूलम, तो इसका यूनिट हो गया जूल प्रति कूलम, ऐसा यूनिट हो गया। इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो यह आपका जो है एसआई यूनिट हुआ, एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे वोल्ट होता है, चाहे जूल प्रति कूलम होता है। अगर सीजीएस यूनिट आपसे कहा जाता है कि सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कि स्टेट वोल्ट होता है, स्टेट वोल्ट होता है। अब देखिए इसको एक जूल को आप अर्ग में बदल सकते हैं, सीजीएस पत्ति में बदल सकते हैं, तो जूल को तो अर्ग में लिखते हैं हम लोग, और इसका जो है सीजीएस में कूलम नहीं, इसको स्टेट कूलम लिख देते हैं, स्टेट कूलम लिख देते हैं। तो अर्ग को जूल में बदलिए आप लोग, और ए आपका बदल गया स्टेट वोल्ट में, स्टेट वोल्ट में बदल गया, तो 10 का पावर 7 यहां से 10 का पावर 2 बार लिखते हैं, मतलब कि यह मान हो गया 1/300, 1/300 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 1 स्टेट वोल्ट जो होता है वह इधर मल्टीप्लाई कीजिए कि चूंकि वोल्ट का मान आप लिखेंगे कहेगा कि 300 वोल्ट के बराबर होता है, 1 स्टेट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट होता है। चाहे वोल्ट का मान पूछा जाएगा कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1/300 स्टेट वोल्ट होता है, जबकि यहां पर अभी आप लोग गलत किए, क्या स्टेट वोल्ट हो गया, स्टेट वोल्ट। नोट कर लीजिए इसे, आप लोग नोट कर लीजिए इसे, तब एक और क्वेश्चन हम आप लोग को लिखते हैं। तीव्रता को परिभाषित करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखकर कैसे दे दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग लिखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ए पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट डेट पॉइंट प्लेस्ड एट डेट पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा हालांकि उसे टेस्ट चार्ज भी हम लोग कहते हैं तो देखिए हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि किन चार्ज पर आपका एक फोर्स लगता है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्या फोर्स बल लगेगा एक बटा में क्यों लगेगा तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे हिंदी में भी इसको लिख देते हैं आप लोग देख लीजिए विद्युतीय क्षेत्र में इकाई पॉजिटिव चार्ज पर क्रियाशील बल उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी यह आपका क्या है सदिश राशि है यह एक सदिश राशि है इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर का चिन्ह हम लोग दे देंगे इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है अब देखिए डेफिनेशन से पहले क्या है समझिएगा इस बात को हम क्या करें परिभाषा से फ्रॉम डेफिनेशन परिभाषा से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर क्या होता है अभी आपको बताया कि किन चार्ज पर एक फोर्स लगता है एवी चार्ज पर एक बटा में क्यू मतलब ई बराबर होता है आपका फोर्स बटा में चार्ज फोर्स बाई चार्ज तो ई बराबर एक बटा में क्यू होता है या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक बराबर क्यू इंटू ई होता है अब समझिएगा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा तो इसका डायरेक्शन जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज की दिशा में होता है या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है आगे नोट कर लेंगे हम लोग कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखिए कहे हैं क्या चीज कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की दिशा में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पॉजिटिव चार्ज की दिशा में पॉजिटिव चार्ज की दिशा में
या निगेटिव चार्ज के विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की दिशा में होते हैं, उसके क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यूनिट देख लीजिए इसका क्या होता है, यूनिट ऑफ ई, ई का यूनिट देखिए ई बराबर हम सूत्र कहें कि एफ बटा में क्यूब होता है, फोर्स का यूनिट होता है आपका न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका एक यूनिट हो गया आपका न्यूटन पर कूलम, ये याद रखिएगा। एक और याद कर लीजिएगा, देखिए न्यूटन में भी मीटर से गुणा कर दिया है, नीचे में भी मीटर से गुणा कर दिया है, तो न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, तो आप इसका एक यूनिट कहिएगा कि जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। अब देखिए जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, जूल बटा में कूलम इंटू मीटर जो लिखे हैं तो जूल बटा में कूलम बराबर वोल्ट होता है। जस्ट अभी बैठ में हम लोग देखे हैं इसका मात्रक एक और लिखेगा कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, तो ई का तीन मात्रक हुआ या एक इंटेंसिटी का तीन यूनिट, एक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा होता है जूल प्रति कूलम इंटू मीटर और तीसरा होता है आपका वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये तीनों यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब आप लोग को जो है एक क्वेश्चन इसका पूरा करवा देते हैं। देखिए इसको मिटा दें, ओके। क्वेश्चन लिखिए सिंगल चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, चार क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए और इसे भी आप लोग नोट कर दीजिए। समझिए प्लस मान लीजिए कि क्यूवन चार्ज जो है ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, जिस फील्ड में जो है एक क्यू चार्ज है और उस क्यू चार्ज से जो है आर दूरी पर क्यूवन चार्ज हम लोग रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज के चलते आपका फील्ड बना हुआ है, इससे जो है आर डिस्टेंस पर एक क्यूवन चार्ज हम लोग रखते हैं, क्यूवन चार्ज रख दिए। इस बात को हिंदी में लिख लीजिए कि माना क्यू आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में क्यूवन चार्ज को क्यू से आर दूरी पर रखा जाता है, आर दूरी पर रखा जाता है, या क्यूवन चार्ज को क्यू से कितना डिस्टेंस पर रखे हैं, आर डिस्टेंस पर रखे हैं।
तो कूलम्स लॉ आपका कहता क्या है? कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वह एक बटा फोर पे एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर होता है। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कूलम के नियम से, कूलम के नियम से एक बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपको आर दिया हुआ है। अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या कहता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब कि एक क्यू1 आपका वन कूलम हो जाए, यदि क्यू1 जो है आपका क्या हो जाए वन कूलम हो जाए, तो जो फोर्स लगेगा क्यू पर उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो ई बराबर अब मान रख दीजिए एफ की जगह पर ई रख दिए, बराबर एक बटा में फोर बाई एफ साले नॉट हो गया, क्यू वन की जगह पर वन हो गया इंटू क्यू बटा में हो गया आपका आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या कहेगा कि एक बटा फोर बाई एफ साले नॉट इंटू क्यू बटा में क्या होता है आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंगल चार्ज के चलते जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होता है वह आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सिंगल चार्ज के चलते हुआ है। इस बात को आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अब आप लोग एक नया क्वेश्चन बनाइए कि फाइंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी, विद्युतीय विभव और तीव्रता में संबंध स्थापित करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आप लोग को जो है आता रहता है। तो समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यह डायरेक्शन आपको दिखाया गया है, इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक जो कि छोटा डिस्प्लेसमेंट है डीआर, हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं, फील्ड के एलोंग में करते हैं या फील्ड के अपोजिट में उसको डिस्प्लेस भी कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के एलोंग फील्ड की दिशा में अगर हम लोग उसको विस्थापित करेंगे तो हमारा ओवरबर्डन जो है पॉजिटिव होगा। एफ एस कॉस थीटा आपका ओवरबर्डन बराबर सूत्र क्या होता था? डब्ल्यू बराबर सूत्र होता था एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर जीरो है, जीरो डिग्री है, तो आपका डब्ल्यू जो होता है ओवरबर्डन आपका पॉजिटिव होता है। ये आप जो है 11th क्लास में देखे होंगे। तो बात को फिर से समझिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के दिशा में या फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा दूरी dr दूरी मान लीजिए उसको डिस्प्लेस किया जाता है। अब उसको डिस्प्लेस जो है हम लोग या तो फील्ड के एलोंग करते हैं या फील्ड के ऑपोजिट में करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, यदि फील्ड के एलोंग उसको डिस्प्लेस करते हैं तो हमारा वर्कडन जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन जब वर्कडन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यदि पॉजिटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो हमारा वर्कडन निगेटिव होगा और उस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों ही स्थिति में या तो फील्ड के एलोंग ले जाएं या फील्ड के ऑपोजिट ले जाएं, हम लोग हमेशा निगेटिव साइन ही लेंगे, निगेटिव साइन ही लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं कि मान लीजिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, फील्ड स्ट्रेंथ ई में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीआर,
आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और इन अपोजिट ऑफ फील्ड, या तो उसको फील्ड के अपोजिट में ले जाया जाता है चाहे फील्ड के अलोंग ले जाया जाता है। इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन वर्बन इज पॉजिटिव, अगर फील्ड के डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वर्बन क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपका घट जाएगा। लेकिन चार्ज को अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वर्बन निगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होगा बढ़ जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि निगेटिव साइन भी हम लोग लेंगे, इस बात को हिंदी में भी आप लोग लिख देते हैं। माना इकाई पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है, इकाई पॉजिटिव चार्ज को इकाई पॉजिटिव चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में छोटा दूरी डी आर तक विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। अब बात को समझिए, विस्थापित किया जाता है फील्ड के दिशा में हम लोग करते हैं या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। कि यदि चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा तथा पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। लेकिन जब चार्ज को फील्ड के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य निगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। अतः दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में निगेटिव चिन्ह लिया जाता है, निगेटिव चिन्ह लिया जाता है। अब आप बात को जो है गौर कीजिए थोड़ा, इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य देखिए,
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। आपका किया गया कार्य हो गया कि फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि इकाई धन आवेश पर लगा बल गुने डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि विस्थापन। अब आपको गौर कीजिए, यहां पर आपका साइन होना चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव हम कहे हैं क्या, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम लोग जो है नेगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, इसलिए यहां पर साइन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब एक बात को गौर कीजिए, हम कहे हैं कि इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य, देखिए पोटेंशियल का परिभाषा पढ़िए, इकाई पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। तो इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य ही पोटेंशियल कहलाता है, क्योंकि छोटा विस्थापन है तो आपका कार्य भी थोड़ा छोटा होगा, इसलिए इसको हम लोग डीवी कहेंगे। किया गया कार्य को डी डब्ल्यू न करके क्या कहेंगे, डीवी कहेंगे। अब देखिए फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धन आवेश पर जो बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे हम लोग तीव्रता कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो माइनस ई हो गया और आपका विस्थापन है कितना, डीआर। तो यहां से ई का मान जब निकालिएगा तो कहेगा कि माइनस डीवी बटा में क्या हुआ, डीआर। यही आपका जो है तीव्रता और पोटेंशियल में रिलेशन है। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इंटेंसिटी यदि विद्युतीय विभव और तीव्रता में संबंध है, इस सूत्र को भी याद रखिएगा, E बराबर माइनस डीवी बटा में डीआर, तीव्रता और पोटेंशियल में रिलेशन भी आपको यह सूत्र की बार बार पूछा है कि E बराबर क्या होता है, माइनस डीवी बटा डीआर होता है, इस ढंग से कुछ चार्ज देगा चार को, जिसमें कि आपको यह याद रखना होगा और यह संबंध भी जो है आपको स्थापित करने के लिए आता है। अब देखिए सिंगल चार्ज के कारण हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालती है, अब हम लोग सिंगल चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालेंगे। समझिए प्रश्न, क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए कि सिंगल चार्ज के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। समझिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र आपको निकाल दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज के कारण आवेश के कारण
विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम कहे हैं कि एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। अभी जस्ट पीछे आज का क्लास आप रिपीट कर सकते हैं कितना होता है, और यह रिलेशन आपको बताता है कि तीव्रता E बराबर होता है माइनस डीवी बटा में डी आर। तो इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो आपका डी का मान निकल सकता है। जब डी का मान अगर दिया हुआ है तो आप ई का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया। देखिए अब चूंकि E बराबर सूत्र कहता है माइनस डीवी बटा में डीआर, तो डीवी बराबर हम लोग क्या लिखें माइनस ई इंटू डी आर बजे ई का मान रख दीजिए, तो डी भी बराबर देखिए माइनस एक बटा फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर इंटू कितना डी आर हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो भी का मान निकल जाएगा, तो पोटेंशियल भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इधर भी इंटीग्रेशन कीजिए एक बटा फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर डी आर। इतना बात आप लोग पहले नोट कीजिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन भी आप लोग को कर देते हैं, इधर मिटा देते हैं। समझिएगा बात, पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़िए। ये इकाई पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है। मतलब कहां से लाना है आपको, आर से लाना है इनफिनिटी तक। तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो भी बराबर होगा, देखिए क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आपका जो है कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, या एक बटा में आर स्क्वायर इनटू डी आर इन्फिनिटिव से कहा तक आर तक, तो माइनस क्यू बटा में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एक बटा में आर इन्फिनिटिव से आर तक, माइनस माइनस यह आपका प्लस हो गया, तो क्यू बटा में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यह मान पहले रखिएगा तो एक बटा आर माइनस एक बटा इन्फिनिटिव हो जाएगा, एक बटा इन्फिनिटिव बराबर जीरो होता है। तो एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर होता है आपका पोटेंशियल का सूत्र। यह स्पष्ट हुआ कि सिंगल चार्ज के चलते पोटेंशियल जो होता है एक बटा आर प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए ये भी सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं कि भी बराबर देखिए भी दिया हुआ है आपको एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर दिया हुआ है, E बराबर आपको कहें एक बटा में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में आर स्क्वायर होता है, इससे यह प्राप्त कीजिए। तो उसी सूत्र पर जाइए कि E बराबर होता है माइनस डीवी बटा में डी आर। देखिए ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र आप निकाल सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसका आर के रेस्पेक्ट में, तो देखिए माइनस डी बटा में डी आर भी का मान रखिए एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर, कॉन्स्टेंट को किनारे कीजिए तो माइनस क्यू बटा में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर डी वन बाई आर बटा में डी आर, वन बाई आर का डिफरेंशिएशन माइनस वन बटा आर स्क्वायर होता है, तो माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्यू बटा में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक बटा में आर स्क्वायर, तो ई बराबर आप कह सकते हैं कि एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। ऐसे भी आप सिंगल चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आप निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल वाला यह जो सूत्र जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, तो सिंगल चार्ज के चलते पोटेंशियल का भी सूत्र आप निकाल सकते हैं। देखिए पोटेंशियल निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेशन चलना होगा, और आपको
फील्ड इंटेंसिटी का मान निकलना होगा, आपको डिफरेंशिएशन कर देना होगा, निकल जाएगा। तो इस ढंग से जो है यहाँ तक आप लोग जो है पढ़ते रहिएगा और यहाँ तक हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इन चीजों को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, मन लगा करके पढ़ते रहना है सभी बच्चों को, मेहनत करते रहिए। समय आपके पास कम है और इस कम समय में ही आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।